अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा सज्जाद मिक्स एंटरटेनमेंट। एंड गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये नेचर पे है और आप लोग देख भी चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और इसका जो सबसे मेन मकसद ये था कि ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारे जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो काफ़ी ही अट्रैक्टिव है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब शाम के टाइम पे सूरज ढलता है तो मुझे ये बात हमेशा याद आती है कि जैसे एक इंसान पैदा होता है तो उसकी मिसाल ऐसे हम लेते हैं कि एक सूरज जैसे उभरता है, और फिर जब सूरज ढलता है तो इंसान की लाइफ का ताल्लुक इससे जाके मिलता है। मैं जब सूरज ढलते को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गहरी सोच में भी जाती हूँ कि एक सूरज निकला हमारी आँखों के सामने और फिर वो हमारी आँखों के सामने ही ढल जाता है और हम उसको रोक भी नहीं पाते, कोई भी नहीं रोक सकता। सो हमारी लाइफ भी ऐसी है, हम पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर ऐसा ऐसा जैसे ही हमारी जो लाइफ है वो ढलना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी सेम वही है, सूरज का ताल्लुक हमारी लाइफ से सबसे ज़्यादा जा मिलता है। और मैंने ये ऐसे ही बात करी क्योंकि ये मेरा माइंड कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। क्योंकि मैंने इस वीडियो को तब से शुरू, ऐसे अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसको शूट करा कि सूरज जो है वो अभी वो ग्रूव होने वाला था, और मैंने इसको स्टार्ट किया ताकि मैंने ये सोचा कि आज मैं इस सूरज की जो वीडियो है वो बनाऊँगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम नेचर के बिल्कुल करीब चले जाते हैं, और मैं इस वीडियो को शूट करते हुए बिल्कुल इसके जैसे कि इंसान करीब चला जाता है कोई सिचुएशन की। और फिर मैंने ये वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर की ताकि आप लोग भी ये वीडियो देखें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ये मैसेज अच्छा लगा, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।